नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं तो डीजल अनुदान के बारे में आप लोग कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। तो फाइनली दोस्तों, खरीफ फसल के लिए इसको लेकर आवेदन शुरू कर दिया गया है, यानी कि सेशन 24-25 के लिए, यानी कि जो भी किसान भाई यानी कि अपना खेती कर रहे हैं, यानी कि डीजल से यानी कि मशीन से पटवन कर रहे हैं, तो उनको तो कुछ ना कुछ खर्च आया होगा। तो उसी में यानी कि खर्च को यानी कि बिहार सरकार कुछ पैसे देती है ताकि उनको मदद मिल जाए। तो इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। तो इस वीडियो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है और कब तक इसका पैसा मिल जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर आप भी एक किसान भाई हैं, बिहार के रहने वाले हैं, आप भी यानी कि मशीन के द्वारा पटवन किए थे अपना जो भी खरीफ फसल में, किसी भी प्रकार का खेती किए हैं, तो उसमें आपको कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। तो इस वीडियो को चलिए करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन पूरी जानकारी बताया गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सही तरीके से आपको आवेदन करना है ताकि आपका जो भी है आवेदन रिजेक्ट ना हो और आपका पैसा भी आपके अकाउंट में आ जाए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। तो फाइनली दोस्तों, डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जिसे उस पर क्लिक करेंगे तो बिहार हेल्प के ऑफिशियली वेबसाइट पर चलेंगे और यहाँ पाएंगे तो अलग अलग प्रकार के आपको कॉलम देखने को मिल जाएगा। यहीं पे नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सरकारी योजना के देखने को मिल जाएगा कॉलम, यहीं पे देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा जो भी सरकारी योजना के रिगार्डिंग जो अपडेट होंगे आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। यहीं पे दूसरे नंबर में देखेंगे तो बिहार डीजल अनुदान 2024-25 का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब डीजल अनुदान के रिगार्डिंग पूरी जानकारी हिंदी भाषा में एकदम अच्छी तरह से समझाएगा, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। हालांकि चलिए, हम आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो भी जानकारी हम आपको एकदम लाइव प्रूफ करके दिखाने वाले हैं, फाइनल प्रिंट तक का प्रोसेस, तो वीडियो वहाँ पेंट तक बने रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया यानी कि 26 जुलाई 2024 से ही शुरू किया कर दिया गया था, जो कि देख सकते हैं, और लास्ट डेट की अभी बात नहीं कही गई है। बहुत जल्दी ही इसको लेकर अनाउंसमेंट भी किया जाएगा कि लास्ट डेट यानी कब तक आप कर सकते हैं। हालांकि अभी तो 26 जुलाई से आवेदन शुरू हुआ है। निचके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों, तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट का बैठक हुआ था, जिसमें स्वीकृति भी इसको लेकर मिली गई थी, जो कि देख सकते हैं, यानी कृषि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य के अनियमित मानसून, सूखे, ओलावृष्टि जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के अंतर्गत धान, मक्का, जूट, दलहन, तेलहन, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों के लेकर यानी कितना यानी 150 करोड़ रुपया की लागत से योजना का कार्यान्वयन किया, यानी कि 150 रुपये की लागत से इसको लेकर स्वीकृति भी मिली थी। तो ये तो हो गया जानकारी स्वीकृति के रिगार्डिंग। तो फाइनली दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हम आपके एक नोटिफिकेशन दिखला दें, ये भी कृषि विभाग द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी ये भी बताया गया कि कितने मतलब आपको पैसे दिए जाएंगे, जिसमें बोला गया योजना का लाभ, यानी कि योजना का लाभ आप समझ लीजिएगा, बताएगा डीजल पंप सेट के सिंचाई हेतु 75 रुपये प्रति लीटर के दर से आपको अनुदान दिए जाएंगे, ठीक बा, यानी कि एक लीटर के हिसाब मतलब बात करते हैं सरकार की तरफ से 75 रुपये मिलेगा, जो कि इसमें एक एकड़ के लिए यानी कि 10 लीटर डीजल की आवश्यकता होता है ऐसा निर्धारित किया गया। उसके आलोक में खरीफ फसलों के लिए डीजल पंप सेट के सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल पर यानी प्रति एकड़ यानी कि प्रति सिंचाई 750 रुपये की दर से अनुदान दिए जाएंगे और अधिकतम 2 सिंचाई के लिए मिलेगा, यानी कि 750 के हिसाब से जोड़े तो 1500 रुपये आपको प्रति एकड़ के हिसाब से दिए जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इतना बस जानकारी था जो कि महत्वपूर्ण जानकारी था, हम आपको बता दिए। बाकी जो जानकारी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये आप जानकारी भर दीजिएगा। चलिए अब आगे की आपको प्रोसेस बताए थे कि क्या करना होगा। अब बात कर ले दोस्तों, आवेदन कैसे करना था, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से जो भी इसका डॉक्यूमेंट लगने वाला है इसके बारे में भी जानकारी दिया गया और आवेदन कैसे करना है इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी बता दिया गया। तब चलिए आवेदन करना है, नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे क्विक लिंक का ऑप्शन दिया गया और यहीं पे देखें तो दिखलाई देगा ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से, नहीं तो डायरेक्ट लिंक अगर आप चाहते हैं अप्लाई करने का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो डीजल खरीफ अनुदान 24-25 में अनावृष्ट अल्पवृष्टि के लिए ऑनलाइन आवेदन, आवेदन के प्रकार का ऑप्शन देख रहा है, इस पर आपको टिक आउट कर देना है डीजल अनुदान के लिए, यहाँ से ओके का ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है, कुछ पॉपअप ओपन हो जाएगा जहाँ पे अच्छी तरह से आपको जानकारी पढ़ लेना है, जैसे कि दिशा निर्देश दिया गया है यानी डीजल अनुदान के लिए आवेदन के लिए दिशा निर्देश, फर्स्ट में बताया गया प्रिय कृषक यानी प्रिय किसान भाई, सूचित किया जाता है कि आप अभी खरीफ मौसम के फसल के लिए योजना लागू किया गया, यानी खरीफ फसल के लिए योजना अभी लागू किया गया और उसके लिए ही आवेदन दिया जा रहा है।
दूसरे में बताया गया ऑनलाइन आवेदन से पूर्व डीजल रसीद को यानी जीपीजी फॉर्मेट में सेंड करता था, साइज 200 के भी तक रख ले। यानी कि जैसे मान लीजिए आवेदन करने आप बैठ गए हैं, तो उससे पहले आपको जो भी डॉक्यूमेंट की जो है वो अच्छी तरह से जानकारी आपको रख लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग गया। तो अगर आप डीजल अनुदान के लिए तो आप आवेदन करें तो जो भी डीजल का जो रसीद है जीपीजी फाइल में आने की इसको आने के 200 के भी तक में आपको रख लेना है बनाकर। तीसरे ने बताया कि बटीदार एवं स्वयं बटीदार की स्थिति में सिंचाई सत्यापन दस्तावेज को जीपीजी फॉर्मेट से स्क्रीन करता था, साइज 200 के भी तक रख ले, कृपया फॉर्म डाउनलोड कर विवरण भी आप पढ़ सकते हैं। यानी अगर आप बटीदार हैं या स्वयं की खेती की हैं इसको इस परिस्थिति में या बटीदार है तो उसमें आपको फॉर्म आपको भरना पड़े, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको फॉर्म आपको अच्छी तरह से भरना है, जैसे आपको अपना नाम, पिता पति का नाम, गाँव का नाम, पंचायत, प्रखंड, जिला, इसमें सारा जानकारी भरकर थाना, खेसरा नंबर, भूधारी का नाम, चौहदी किसान भाइयों का नाम भर देना है अच्छी तरह भरकर। यहाँ पे सत्यापन पत्र जो आप ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच यानी किसी का भी सिग्नेचर कराकर, और जो भी आपके कृषि सम्मेलन जो पदाधिकारी होते हैं उनको भी सिग्नेचर कराकर आपको अपलोड करना होता है। जब भी आवेदन करते समय आपको अपलोड करना होता है तो ये जो भी डॉक्यूमेंट है सबसे पहले आपको रेडी कर लेना, उसके बाद ही आवेदन करने बैठिएगा। तो ये कुछ जानकारी हो गया। अब चलिए आवेदन करने यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे डीजल अनुदान के लिए कुछ दिशा निर्देश दिया गया है जो कि आपको फुलफिल करना ही होगा, तभी आपको जो भी इसका जो पैसा है वो आपको एक बैंक अकाउंट में आएंगे, नहीं तो अगर आप ये गलती कर देते हैं तो उस परिस्थिति में आपका जो भी है इसका पैसा आपके बैंक अकाउंट तक ही नहीं आएगा, रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा फॉर्म। तो इस बातों को भी ध्यान रखिएगा आप, अच्छी बात देख सकते हैं इसमें बताएगा। जो पहला कंडीशन है किसान आवेदन में अपना नाम और अपने पिता पति का नाम आधार में अंकित नाम के अनुसार ही डाला, यानी जो भी आप डिटेल्स भरेंगे आपके आधार कार्ड के ही अनुसार आपको डिटेल्स भरना है, ठीक, यहाँ पे जानकारी देगा। और सबसे पहले यहाँ पे देखने को तो यहाँ से रेड कलर में बताएगा कृपया आवेदन करने से पहले अपने आधार नंबर की जाँच कर लें, अनुदान की राशि आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में ही भेजी जाती है। मान लीजिए जब भी आप आवेदन करने जाएंगे तो आधार नंबर जो भी फिल करेंगे उसमें तो आपको जाँच कर लेना है कि किस कैंडिडेट का आप दे रहे हैं आधार नंबर, क्योंकि आधार के रिगार्डिंग आधार से जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा उसी बैंक अकाउंट में आपकी जो भी है इसकी राशि भेजी जाएगी। ये भी जानकारी आप महत्वपूर्ण है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और डीजल का कंप्यूटराइज रसीद ही आपको मान्य होगा, मान लीजिए जो भी आप डीजल खर्च किए हैं, डीजल खरीदे हैं उसका जो भी रसीद है कंप्यूटराइज रसीद ही आपको अपलोड करना होगा। मान लीजिए हाथ से लिखा हुआ रसीद अब अगर आप अपलोड करेंगे पैसा बढ़ा चढ़ा कर उसमें सोचेंगे कि हम लिख दें तो उस परिस्थिति में आपका मान्य नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो कंप्यूटराइज जो रसीद है वो आपको ही अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दूसरे ने जानकारी दी, अगर डीजल रसीद को कंप्यूटराइज डिजिटली रसीद पंजीकरण संख्या अंकित अंतिम के 10 अंक होना चाहिए, यानी कि उस पर जो भी पंजीकरण संख्या होता है जो कि 10 अंक का होता है वो भी आपको रहना चाहिए, जो कि आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है इस तरीके से। उस पर रसीद पर यानी किसान का हस्ताक्षर अंगूठा का निशान होना चाहिए, यानी कि जो भी किसान भाई हैं उनका सिग्नेचर होना चाहिए, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो अंगूठा का निशान भी अपना लगा सकते हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं या सिग्नेचर या अंगूठा का निशान नहीं लगाते हैं तो इसे मान्य नहीं होगा, इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिग्नेचर नहीं तो अंगूठा का निशान आपका होना चाहिए, किसान भाई का होना चाहिए जिसके नाम से आवेदन हो रहा है। उस पर रसीद की जो भी डेट दिया गया यानी कि 26/7/2024 से लेकर 30/10/2024 तक ही मान्य होगा, यानी इसके बीच में आप तेल खरीदे हैं तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, यानी कि 26/7/2024 से लेकर 30/10/2024 के बीच में जो भी रसीद लगाएंगे वही मान्य होगा। आप सोचेंगे पिछले साल पुराना वाला रसीद लगा दें तो मान्य हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जानकारी होगा डीजल अनुदान की राशि आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में ही भेजी जाएगी। ये जानकारी अगर आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है तो ये जांच करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप जांच कर सकते हैं, तो ये आप जांच कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। अब तीसरा नंबर देखेंगे तो आवेदन में कृषक के तीन प्रकार का आप आवेदन कर सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए अगर आप स्वयं की खेती यानी कि आपका खुद का ही खेती है और वही खेती आप करते हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या बटाईदार है मान लीजिए दूसरे किसी का खेती लेकर आप मतलब खेती करते हैं तो उसे बटाईदार बोलते हैं, आपको पता ही होगा। अगर वो आप किसान भाई हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या दोनों बहुत से ऐसे किसान भाई होते हैं जो कि बटैया भी करते हैं और खुद का भी खेती होता है थोड़ा बहुत वो भी करते हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन करते थे, किसी एक प्रकार के लिए ही आपको आवेदन करना है। ये नहीं कि मान लीजिएगा आप तीनों प्रकार के आवेदन करेंगे तो तीन तरीके पैसा मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही प्रकार से आपको आवेदन करना पड़ेगा, या तो स्वयं के लिए या बटाईदार के लिए, या स्वयं या बटाईदार दोनों के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा स्वयं की स्थिति में किसान का जो भी अगर आप स्वयं की स्थिति में करें मतलब खुद का खेती करते हैं उस स्थिति में आवेदन करेंगे तो आपको थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सचिवा रकवा इसका जानकारी आपको भरना पड़ेगा, और सांसद जो भी आपके खेत के अगल बगल के किसान भाई यानी कि दो किसान भाइयों के प्रविष्टि के साथ भूमि दस्तावेज के साथ
डीजल प्रवृत्ति की अपलोड भी करना होगा, उनको भी जानकारी देना पड़ेगा, यानी आपके खेत के अगल बगल जो भी किसान भाई हैं, जिसे चौधरी भी आप बोल सकते हैं, लेकिन दो ही आदमी का आवेदन मतलब जानकारी देना है। वहीं प्रतिदिन बात करें तो बटाईदार की स्थिति में आपको जो भी किसान भाई हैं, खेसरा नंबर आपको डालना पड़ेगा, कुल सिंचित रकबा और अगल बगल के किसान भाइयों को भी नाम देना पड़ेगा, और उनके द्वारा हस्तांतरित दस्तावेज यानी एक फॉर्म है, इसे भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, और साथ साथ जो भी तेल कर जो रसीद है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये बटाईदार के लिए, बटाईदार के लिए एक फॉर्म मिलता है जिसे आपको डाउनलोड करके ये आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें आपको अपना नाम, पिता पति का नाम जो भी है जानकारी इसमें मांगे, जानकारी आपको भरकर उसके बाद वार्ड सदस्य, मुखिया या सरपंच या पंचायत समिति उनका भी सिग्नेचर करा लेना है, और कृषि समन्वयन के जो भी होते हैं उनसे भी सिग्नेचर वगैरह करा लेना है, तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें स्वयं बटाईदार के लिए भी एक फॉर्म बनाई गई, इसे भी आपको डाउनलोड करके फॉर्म भरना पड़ेगा। तो कुछ जानकारी हो गया जो कि आपको पढ़ लेना है। अब आवेदन करना है कैसे, तो यहाँ पे आपको जो भी है डीजल अनुदान की इस पर आपको चयन कर लेना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी की इस पर चयन कर लेना है, और यहाँ से आपको पंजीकरण जो भी है किसान पंजीकरण संख्या आपको डालकर सर्च के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे पंजीकरण दर्ज का ऑप्शन देख लें, यहाँ पे आपको किसान पंजीकरण संख्या डालकर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अगर आपको पता नहीं है कि आपका किसान पंजीकरण संख्या कौन सा है, तो यहाँ से इसके ऑफिशियली वेबसाइट पाएंगे, तो यहाँ पे ऑनलाइन सेवाएं का ऑप्शन देखेंगे, तो यहीं पर आपको अलग अलग प्रकार से सेवाएं देखने को मिलेगा, यहीं पर आवेदन की स्थिति भी देखने को, यहीं पर देखेंगे तो किसान पंजीकरण का ऑप्शन जाने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक आउट कर देना है। अब जिसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा सर्च बाई का, किस माध्यम से अपना किसान पंजीकरण संख्या जानना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन आईडी के माध्यम से, आधार नंबर के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से, तो आपको अपना चयन कर लीजिएगा। जैसे आधार नंबर के माध्यम से खोजना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आपको आधार नंबर डालना है, लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आधार नंबर के साथ जो भी मोबाइल नंबर अटैच होगा उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर सबमिट का ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा, आपका किसान पंजीकरण संख्या शो हो जाएगा, तो इसे डाल सकते हैं। चलिए जैसे उस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से शो हो जाएगा, जहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन आईडी का ऑप्शन देख लिया, यही आपका किसान पंजीकरण संख्या होगा, इसे आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको डाल देना है, उसका सर्च के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। अब जिसे सर्च के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आवेदक का विवरण यानी कि आपका डिटेल्स शो हो जाएगा, जैसे किसान पंजीकरण संख्या हो जाएगा, किसान का नाम, जन्मतिथि, जिला, आधार संख्या जो भी है आपका डिटेल्स मतलब आपका आ जाएगा, यहाँ से भी देख सकते हैं। अब आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं महत्वपूर्ण सूचना हम देखने को मिल जाएगी, यहाँ से हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो भी जानकारी हम ब्लर किए हैं आप देख लीजिएगा, आपका ही जानकारी यानी कि जो भी किसान पंजीकरण संकेत डाले हैं उन्हीं के नाम से आवेदन भी होना चाहिए, ये जानकारी हो गया। तो यहाँ पर देखें तो बताया गया कि यह जो भी आवेदन कर रहे हैं डीजल अनुदान आवेदन की रसीद यानी 26/7/2024 से लेकर 30/10/2024 तक ही मान्य होगा, यानी कि जो भी आप डीजल का जो रसीद लगाएंगे, तो यहाँ पे बार बार ये आपसे बोला जा रहा है क्योंकि बहुत से लोग गलत कर देते हैं, यानी अपलोड करते समय डीजल का रसीद पुराना वाला अपलोड कर देते हैं, तो उस परिस्थिति में उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर भी बताया गया है, तो ये जानकारी आप समझ लीजिएगा। अब बोला गया कुल आवेदन की संख्या जो बताया गया यहाँ पे देखेंगे तो इस वित्तीय वर्ष यानी कि 24-25 में आपने आवेदन 0 बार दिया है, ये सभी को देखने को मिलेगा क्योंकि आप जो भी सेशन यानी 24-25 के लिए फर्स्ट टाइम ही आवेदन लिए जा रहे हैं तो ये 0 दिखलाई दे रहा है। अगर आप दूसरे बार आवेदन करेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरे दिखलाई देगा, तीसरे करेंगे तो तीसरे, तो सभी लोग तो लगभग पहली बार ही आवेदन करेंगे तो यहाँ पे 0 बार दिखलाई दे रहा है। हो सकता है कि आवेदन कर लेने के बाद दूसरे तरीके से जैसे आवेदन होगा दूसरे मतलब काम के लिए तो वहाँ पे करेंगे तो आपको 2 बार दिखलाई देगा, 3 बार दिखलाई देगा, तो यहाँ पे भी वही जानकारी बताया गया कि आपने कितने बार आवेदन किया है इस साल यानी 24-25 में, तो ये जानकारी आप समझ गए। अब यहाँ पे मौसम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और जमीन विवरण का ऑप्शन देखने को मिलता है, सबसे पहले आपको यहाँ से चयन कर लेना है, कौन से चयन करना है, तो यहाँ से मौसम सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ से मौसम चयन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, खरीफ का ऑप्शन इस पर क्लिक करना है, यानी कि ये खरीफ मौसम के लिए ही आवेदन लिए जा रहे हैं। अब फसल का नाम देखने को मिल जाएगा, तब यहाँ पर आपको फसल का नाम देखने को मिल जाएगा, धान का बिचड़ा, जूट, धान, मक्का, दलहन, तेलहन, सब्जी, तो जो भी आपने खेती किए हैं, जो भी आप मतलब बीज वगैरह डाले हैं तो आप अपने इसमें चयन कर लेंगे, जो भी अगर दलहन का किए हैं तो दलहन, मक्का के किए हैं तो मक्का, आपको जो भी है जैसे कि हमके धान के बिचड़े के लिए करना है तो जिस पर क्लिक कर देते हैं, उस पर सिंचाई की कुल संख्या आपको चुनना है तो एक ही बार होगा, यानी कि एक ही बार मतलब सिंचाई होता है आपको पता ही होगा, तो एक ही बार के लिए अभी आवेदन भी लिए जा रहे हैं, तो जिस सिंचाई की कुल संख्या एक ही बार का ऑप्शन आ रहा है सभी को आ रहा है, ऐसा नहीं कि बस कुछ ही लोगों के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे एक बार चयन कर लेना है। अब इसमें किसान का प्रकार आपको चयन करना है, किसान का प्रकार जो कि देख सकते हैं स्वयं का, अगर आप खेती किए हैं तो स्वयं पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बटाईदार है तो बटाईदार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, स्वयं अगर दोनों का किए हैं स्वयं का है आप खुद का है और कोई कुछ खेत बटैया लिए तो अभी यहाँ
चयन कर सकते हैं। तो हम सोएं कहाँ, तो सोएं के ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। अब कुल जमीन यानी कुल जमीन का यहाँ पे जानकारी भरना है, जिसे देख सकते बताए कृपया डिसमिन जमीन का विवरण डालें। जैसे 1 एकड़ में आप किए हैं तो 100 डिसमिल डालना है, 2 एकड़ में किए हैं तो यहाँ से 200 डिसमिल डालना है। तो जो भी है आप पर निर्भर करता है कि आप कितने जमीन में आपने बिचड़ा डाला है, वो आपको जानकारी बताना है। तो हमको 1 एकड़ में किए हैं तो यहाँ से 100 डिसमिल डाल देते हैं। यहाँ 100 डिसमिल डाल देने के बाद अब यहाँ पे आ जाएगा खाता नंबर, खेसरा नंबर, थाना नंबर और कुल सिंचाई की रकबा में आपको डाल देना है। तो जो भी आप मतलब सिंचाई की है रकबा में, वो आपको जानकारी देना है। तो यहाँ पे आपको जानकारी वही भर देना है, देख सकते हैं। और ये नहीं तो यहाँ पर जानकारी भर दीजिए, उसमें बगल के किसान भाइयों का नाम लिख देना है, जो कि देख सकते हैं बगल के किसान का नाम क्या है, बगल के किसान का नाम यानी दो किसान भाइयों का नाम यहाँ से देना है। अगर आप और भी चाहते हैं ऐड करना है तो ऐड न्यू रॉ का ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऐड न्यू रॉ का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जानकारी भर दीजिएगा, उसके बाद ही ऐड न्यू रॉ करिएगा, ठीक। उस पर कृपया खाता नंबर की प्रविष्टि करें कि ऑप्शन आ जाएगा। उस पर सिंचित भूमि का रकबा यहाँ से देखने को, जैसे यहाँ पे डालेंगे 50 डालेंगे तो यहाँ से 50 आएगा, जैसे यहाँ पे 100 डालेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो 100 आ जाएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे 100 आ गया। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। अब नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डीजल का क्रय विवरण का अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करना है। जैसे मान लीजिए कि आप जो भी यहाँ पे चयन किए हैं और पटवन किए हैं, उस डीजल कितने लीटर में मतलब आपका पटवन हो गया, तो 10 लीटर, 20 लीटर, 15 लीटर, उस अनुसार आपको डालना है। तो हमारे केस अब अपना पेट्रोल का नाम भर दीजिएगा, अब प्रखंड का नाम भर देना है, ठीक। यहाँ पे कौन सा प्रखंड के अंतर्गत है पेट्रोल पंप, तो आपको जानकारी भर देना है। कुल अनुमानित राशि यहाँ से ऑटोमेटिकली आपको फिक्सिंग कर लेगा, तो आपको भरने की जरूरत नहीं होगी, जो भी आपका राशि होगा ऑटोमेटिक बता दिया जाएगा कि कितना आपको राशि मिलेगा। यहाँ पे जानकारी भरकर इस पर टिक आउट कर लीजिएगा। टिक आउट करने के बाद गेट ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके किसान पंजीकरण के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ओटीपी चला जाएगा। जो भी आपके किसान पंजीकरण के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर वैलिडेट अप्लाई के ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया, जो कि देख सकते हैं बताया गया परिवार का विवरण गलत दर्ज किए जाने पर भौतिक सत्यापन के समय अपने आप योजना के वंचित दिए जाएंगे और आपका आवेदन पंचायत स्तर से रद्द किया जाएगा। यानी कि अब आपको क्या जानकारी भरना है, जिससे कि कुछ अपने परिवार का भी डिटेल्स इसमें डालना पड़ेगा। और वो डिटेल्स डालते हैं तो आपको बता दें जो भी विभागीय जो लोग आएंगे, जो भी पदाधिकारी आएंगे, तो आपको सत्यापित करना है, यानी कि भौतिक सत्यापन होगा। उस परिस्थिति में अगर आप गलत पाए जाते हैं तो पंचायत स्तर से ही आपका आवेदन निरस्त कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। तो जो भी जानकारी दीजिएगा सही तरीके से दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे संबंध का आपको जानकारी बताना है। अब ये जानकारी भरने से पहले जो रेड कलर का जो दिखलाई देख सकते हैं परिवार का विवरण में आवेदक अपना विवरण अंकित नहीं करेंगे, यानी कि जिस भी कैंडिडेट के नाम से ये आवेदन हो रहा है वो आपको अपना नाम का आवेदन मतलब डिटेल्स नहीं भरना है, ठीक। ये जानकारी देगा तो सदस्य का संबंध आप बतला दें, जैसे माता का जानकारी भरना है, पिता का जानकारी भरना है, पति पत्नी का या वयस्क बच्चे का भरना है। तो इस परिस्थिति में आप ध्यान रखिए, जैसे कि मान लीजिए किसी का आवेदन हो रहा है तो यहाँ से अपने पिता के भी भर सकते हैं, यहाँ पे जीवित है या मृत्यु है वो आपको जानकारी बता देना है। तो जीवित होंगे तो जीवित के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मृत्यु होंगे तो मृत के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो मृत्यु होंगे तो उसकी कुछ अलग से जानकारी भरना पड़ेगा, यहाँ पे बता देगा। तो जीवित होंगे तो इस पर क्लिक करके उनका आधार नंबर, आधार का उनका क्या नाम है, जन्मतिथि उनका डाल देना है, यहाँ से कैलेंडर के अनुसार चुन लीजिएगा। उसके बाद यहाँ सेम मेंबर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना, ओटीपी भी जाएगा, जैसे आधार ओटीपी सक्सेस होने के पश्चात कृपया सेव करें। तो यहाँ पर जैसे आधार नंबर डालेंगे तो ओटीपी वगैरह जाएगा, तो यहाँ डालकर सेव मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपको दस्तावेज अपलोड कर देना है, यहाँ पर जो भी डीजल का जो रसीद थे, जो भी आपने जानकारी जो भरा वो डीजल का रसीद आप इसमें फाइल से अपना ले लीजिएगा और आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ से बार बार बताया जा रहा है आपको डीजल की जानकारी कि इतने दिन के बीच में जो भी डीजल का रसीद होगा वो ही मान्य होगा, और आवेदक का जो भी है आवेदक जिसके नाम से उनका सिग्नेचर और अंगूठा के निशान होना चाहिए, या तो सिग्नेचर या तो अंगूठा के निशान, ये ध्यान रखिएगा। अन्य किसान भाइयों का उस डीजल के रसीद पे जिनका आवेदन हो रहा है, तो उसके बाद जमीन का रसीद आपको यहाँ से भर देना है, जो कि सेशन 21, 22, 23 और 23 का होना चाहिए, जो भी जमीन का रसीद होता है वो आपको यहाँ से चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ से टिक आउट करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे करेंगे तो जो भी आपको जो PDF देखने को मिला होगा, अगर आप रहता होंगे गैर रहता होंगे तो आपको देखने को मिला होगा, जो कि आपको हम दिखलाएं या फिर जैसे ऑनलाइन आवेदन का स्थिति पर देखेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि डीजल सब्सिडी के लिए आप आवेदन करें, तो जो भी किसान भाइयों के लिए, जो बटाईदार किसानों के लिए यहाँ पे जो फॉर्म डाउनलोड करके आपको भरना था, ये आपको भरने के लिए मौका दिया जाएगा यहाँ से, जैसे सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो हम यहीं तक बताते हैं क्योंकि हमको ये जानकारी नहीं भरना,
करना था क्योंकि हम आपको बताने के लिए जो भी जानकारी हम आपको बताएं। तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी को मालूम चल सके। किसी प्रकार का अगर आपको दिक्कत हो रही है आवेदन करने में तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके बाद से आपको केवल डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना है और कुछ नहीं, और जो भी आपका ये जो फॉर्म है उसे डाउनलोड करके अपने पास अच्छी तरह से रख लीजिएगा ताकि जैसे भौतिक सत्यापन होगा आने के जो भी है वेरिफिकेशन प्रक्रिया होगा तो उस परिस्थिति में आपको दिखलाना पड़ेगा रसीद वगैरह जो भी है। उस बाद यहाँ से इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। इसका जो भी पैसा है लगभग एक महीने बाद ही आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है क्योंकि इसके लिए जो भी विभागीय वेरिफिकेशन प्रक्रिया करता है उसमें अगर आपका सारा डाटा सही पाया जाता है तो आपके पैसा आता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा।